द टाइम्स मैगजीन की 20 मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑन टेलीविजन की लिस्ट में दो बार अपनी जगह बना चुके विशाल केवल अच्छे एक्टर ही नहीं है बल्कि एक अच्छे इंसान भी है। अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उन्होंने युवा राइजिंग स्टार्स नाम का एक यूथ ग्रुप बनाया था जो नीडी लोगों की मदद करते हैं। पर जब विशाल इस इंडस्ट्री में नए नए आए थे तब वो स और श में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे और उन्होंने अपने शब्दों की प्रोनंसिएशन पर भी बहुत काम किया। गोलू बाबा जैसे निकनेम से जाने जाने वाले विशाल कबीर सिंह के नाम से भी पुकारे जाते हैं, पर उनको ये निकनेम मिलने की वजह क्या रही और क्यों आज जो भी उन्हें जानता है वो उन्हें सुशांत सिंह राजपूत से कंपेयर करने लगा है। विशाल की अर्ली लाइफ से जुड़ी अब तक की पूरी स्टोरी मैं शुभी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर ऐसी ही लाइफ स्टोरी वीडियोस मौजूद है, तो यदि आप भी अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की लाइफ स्टोरी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। माँ बन नहीं बनना चाहती, उन्होंने बोला। हाँ कैसे बन जाएंगे सर, मेरे माँ के ना में भी नहीं है ये। विशाल आदित्य सिंह का जन्म 25 जनवरी 1988 को आरा बिहार में हुआ था। बेसिकली विशाल बिहिया भोजपुर डिस्ट्रिक्ट की एक राजपूत फैमिली को बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स वीना सिंह, अजीत सिंह के अलावा उनके एक भाई कुणाल सिंह भी है। काफी यंग एज से ही विशाल क्रिकेट में एक्सेल्ड हो गए थे और अपने स्कूल और स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट्स में खेला भी करते थे। गाँव में उनका एक दोस्त भी था अनूप, जो आज भी उनका काफी अच्छा दोस्त है। विशाल ने अपनी लाइफ का काफी अच्छा टाइम अनूप के साथ ही बिताया है, पर जितना विशाल स्कूल डेज में क्रिकेट को लेकर सीरियस थे टाइम के साथ उनकी वो स्पोर्ट्समैनशिप मॉडलिंग में बदल गई और वो जल्दी ही मॉडलिंग इंडस्ट्री से एक्टिंग फील्ड में भी आ गए। पर उन्होंने अपने इस करियर से पहले कभी कहीं जॉब नहीं की। विशाल आदित्य सिंह का 12th क्लास में ड्रिंक करने का एक काफी इंटरेस्टिंग सा किस्सा है और उनकी लाइफ से जुड़े थोड़े बहुत अनजाने किस्से मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। खैर तो फिर उन्होंने बिहार टीवी के महुआ चैनल के शो इम्तिहान के लिए फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया था जिसके लिए वो सिलेक्ट भी कर लिए गए, पर उसी शो के शूट के दौरान ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया जिसका रीजन ये था कि सेट पर मौजूद सभी लोगों को भूख लग रही थी। पर जब डायरेक्टर से उन्होंने सभी को कुछ खिलाने की रिक्वेस्ट की तो डायरेक्टर ने उन्हें ये बोलकर कि तुम तो बड़े हीरो पैदा हुए हो उन्हें शो से ही बाहर कर दिया। विशाल ने फिर मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की और अपना पहला भोजपुरी टीवी डेब्यू महुआ टीवी पर सागर आर्ट्स के शो जय जय शिव शंकर से किया जिसके लिए उन्हें 40,000 रुपए का पेचेक मिला था जो उनकी लाइफ की फर्स्ट सैलरी थी। और कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स करने के बाद वो परमानेंटली मुंबई ही शिफ्ट हो गए। मुंबई आने के बाद उन्हें 2011 में फर्स्ट हिंदी टीवी ब्रेक मिला चंद्रगुप्त मौर्य शो से जिसमें उन्होंने शशांक का रोल प्ले किया था। इसी दौरान मुंबई में उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी लड़की को डेट भी किया था और जल्दी ही उनका ब्रेकअप भी हो गया। जब विशाल नए नए मुंबई आए थे तभी फर्स्ट टाइम वो क्लब भी गए और वहाँ जाकर उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उनके लिए वहाँ के लोग, उनके कपड़े, इंग्लिश, बात करने का तरीका सब कुछ अनजाना सा था और क्योंकि उन्हें ये सब कुछ काफी अलग सा लगा तो विशाल को क्लब में फर्स्ट टाइम काफी डर भी लगा था। पर बाद में विशाल ने ना सिर्फ खुद पर वर्क किया बल्कि मुंबई आकर ना सिर्फ इंग्लिश सीखी बल्कि अपनी हिंदी को भी इम्प्रूव किया और सेकेंड टाइम से ही वो क्लब जैसी जगहों से भी हैबिचुअल होने लगे थे। खैर फिर 2012 में ससुराल से मरका में वीरू का, 2014 में कॉमेडी शो बच्चन पांडे की टोली में और 2015 में टाइम मशीन में देवेंद्र सिंह राणा के रोल्स निभाने के बाद साल 2015 विशाल के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब उन्हें एन टीवी के शो बेगूसराय में लखन ठाकुर के रोल के लिए कास्ट कर लिया गया और विशाल की एक्टिंग रिकॉग्नाइज की गई। फिर 2016 में जिंक टीवी के शो प्यार तूने क्या किया में एपिसोडिक रोल निभाने के बाद विशाल ने एकता कपूर की टीवी सीरीज चंद्रकांता में वीरेंद्र प्रताप सिंह का रोल प्ले किया था। पर साल 2018 उनके लिए सबसे लक्की साल रहा क्योंकि उन्हें गुल खान के म्यूजिकल शो फी कुमार बाजेवाला में तेवर सिंह के रोल में कास्ट किया गया और ऑडियंसेस को विशाल एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर लगे और तभी से विशाल की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। उसी बीच उन्हें और मधुरिमा तुली, जिनसे 2017 में वो चंद्रकांता शो से डेट करने के बाद 2018 में ब्रेकअप भी कर चुके थे, दोनों को नच बलिए में फिर से साथ देखा गया। वैसे तो दोनों ही शो के सेकंड रनर अप भी रहे पर आपस में उनकी फाइट सभी को साफ दिखने लगी थी और वो ही सेम हेट्रेड बिग बॉस के सीजन 13 में भी दिखाई दी जब विशाल बिग बॉस में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री कास्ट किए गए। पर दोनों की फाइट इस लेवल तक जा पहुंची थी कि एक आर्गुमेंट के दौरान मधुरिमा तुली उन्हें फिजिकली अब्यूज करने लगी और फ्राइंग पैन से लगातार तब तक मार दी गई जब तक वो पैन ही नहीं टूट गया। दोनों की ये कॉन्ट्रोवर्सी काफी वायरल रही थी जिस पर विशाल ने ये भी कहा था कि बिग बॉस में क्या पार्ट टेलीकास्ट किया जाएगा और क्या नहीं ये शो की टीआरपी के अकॉर्डिंग ही दिखाया जाता है, ऐसे में पूरी सच्चाई कोई नहीं जानता। विशाल की मधुरिमा के साथ इसी हेट स्टोरी के बाद उनका नाम कबीर सिंह रख दिया गया। वैसे काफी ऑडियंसेस ने विशाल
विशाल के मधुरिमा तुली के इतना मारने पर भी पेशेंस रखने की बहुत तारीफ की थी और सभी विशाल के सपोर्ट में भी खड़े रहे। पर माना जाता है कि दोनों अभी भी ग्रजेस नहीं रखते और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हैं। और 2020 में विशाल मधुरिमा के साथ दिल में हिंदुस्तान और खौबीड़ा नाम के म्यूजिक एल्बम्स में साथ काम भी कर चुके हैं और दोनों ही साथ इंटरव्यूज में भी नजर आ चुके हैं। इसीलिए ही खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में विशाल का नाम भले ही सना के साथ लिंकअप्स में बना रहता है, वहीं काफी लोगों का मानना है कि विशाल सना से नहीं बल्कि मधुरिमा के साथ ही रिलेशनशिप में है। विशाल ने अपने एक इंटरव्यू में क्लैरिफाई किया था कि सना उनकी बस अच्छी दोस्त है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, और मधुरिमा भी आज भी उनकी अच्छी दोस्त ही है। ये तो उनके करियर की बात हुई, अब बात कर लेते हैं उनकी लाइफ से जुड़े कुछ अनजाने किस्सों की। तो जब विशाल 12th स्टैंडर्ड में थे तब वो हॉस्टल में रहा करते थे। तब उनके हॉस्टल में ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा लड़का ड्रिंक किया करता था। विशाल उनको रोज रात में देखते रहते थे। फिर अचानक एक दिन जब उनके फ्रेंड्स ड्रिंक करके अजीबोगरीब हरकत करने लगे तो विशाल ने भी ठान लिया कि आज तो मैं भी पीकर रहूंगा, और बस फिर उन्होंने भी कोई कम हरकतें नहीं की। पर वो कहते हैं कि वो बहुत रेयरली ओकेजनली ही ड्रिंक करते हैं, रोज रोज पीना उन्हें पसंद नहीं। विशाल की लाइफ से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा और भी है। दरअसल विशाल करीना कपूर खान के बहुत बड़े फैन रहे हैं। उनके एक रिलेटिव एयरपोर्ट पे काम किया करते थे और विशाल तब नए नए मुंबई शिफ्ट हुए थे। ऐसे में उनके रिलेटिव ने उन्हें कॉल करके जल्दी आने को कहा, तो विशाल को लगा कि ये रिलेटिव्स तो ऐसे ही होते हैं, फालतू में फिरकी ले रहे होंगे, और वो वहां आने से मना करने लगे। पर जब रिलेटिव ने उन्हें बार बार फोर्स किया तब वो एयरपोर्ट गए तो दूर से ही करीना को कांच में देखते रह गए और वहीं खड़े होकर नाचने लगे, और ये उनकी लाइफ का फर्स्ट स्टार स्ट्रक मोमेंट था। इसके अलावा विशाल डिम्पल कबाड़िया जी के भी बहुत बड़े फैन रहे हैं कि एक बार उनसे मिलने पर वो नीस पर बैठकर उन्हें फ्लावर्स देकर आए थे। और बचपन से ही विशाल काफी अच्छा खाना भी बना लेते हैं, यानी विशाल एक कंप्लीट पैकेज है जो हर काम में माहिर है। ऐसा ही उनका एक हिडन टैलेंट है स्टोरीज, स्क्रीन प्लेज, शॉर्ट फिल्म्स एंड फिल्म्स की स्टोरी लिखने का, और वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर उनका ये टैलेंट फेमस हो सके और टाइम्स स्क्वायर पर स्टैंड अप कॉमेडी करना या कुछ भी परफॉर्म कर पाना उनकी लाइफ का अल्टीमेट ड्रीम है। विशाल का ऐसे ड्रीम्स रखना, काइंड हार्टेड होना, बिहार की राजपूत फैमिली से बिलोंग करना, मुंबई आकर अपनी पहचान खुद बनाना, शिवजी का डिवोटी होना, उनकी टॉकिंग स्टाइल से लेकर उनका डांस और उनकी आवाज, और अपने देसी होने पर प्राउड लेना, गांव जाना और सबसे कनेक्टेड रहना, सब कुछ उन्हें सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेबल बनाता है, और इसीलिए ऑडियंसेस को विशाल भी सुशांत सिंह राजपूत जैसे ही लगते हैं। लास्टली सुशांत की तरह ही विशाल के भी इस इंडस्ट्री में सिर्फ दो ही सच्चे दोस्त हैं, एक आशीष शर्मा और एक अर्चना। वैसे आपका विशाल और सुशांत का इस कनेक्शन के बारे में क्या मानना है कमेंट जरूर करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट लिखना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।